वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट चीज को, जिसमें कि हमारे एडिक्शन से जुड़ा हुआ कुछ चीज हमारे साथ हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस करने वाला है। तो देखेंगे आज कुछ ऐसे टीवी चैनल को जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए, पीसीएस के एस्पिरेंट है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम देते हैं या फिर एनडीए और इस लेवल के जितने भी एग्जाम देते हैं जहां पे आपके नॉलेज का चेकअप किया जाता है। तो इससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे रोज आपके लिए कुछ नया करने का, से जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आज के टॉपिक पे चलने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के समय में हमारे लिए एडिक्शन क्या बनकर के आया है। तो हर एक लोगों के लिए मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा एडिक्शन बनकर के आया है उसके लाइफ में। तो इसमें अगर हम इस मोबाइल फोन को एडिक्शन के तौर पर अगर कुछ इस तरीके से चेंज कर ले कि ये हमारे पढ़ाई का एक कारण बन जाए तो ये हमारे लिए मच बेटर है। और इस तरीके से कुछ ऐसे चैनल है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग संसद टीवी के बारे में। और आप ऐसे नहीं समझिए कि आपको अगर ये टीवी के बारे चैनल के बारे में बताया जा रहा है तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि संसद टीवी को पहले राज्यसभा टीवी के नाम से जाना जाता था, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि जो राज्यसभा टीवी है इसको संसद टीवी और लोकसभा टीवी जो है इसको संसद टीवी के तौर पर कब किया गया था। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो है इस संसद टीवी को अपने मोबाइल में एडिक्शन के तौर पर इसे एजुकेशन का पार्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इसका दो तीन प्रोग्राम आता है, जो प्रोग्राम पहले जो है कुछ दूसरे नाम से जाना जाता था लेकिन आज जो है ये जो है पर्सपेक्टिव के नाम से जाना जाता है, जो कि एक इंग्लिश का डिबेट होता है जो 9:30 पे आपको मिलेगा। और दूसरा जो है वो है आप जो है वो है आपका मुद्दा, ये 7 आपको मिलेगा। ये जो है वो मंडे टू सैटरडे आपको मिलता है। यही चीज पहले राज्यसभा टीवी पर जो है वो द बिग पिक्चर के नाम से जाना जाता था और ये जो है आपका आपका मुद्दा ये देश देशांतर के नाम से जाना जाता था। इस बात को आप कंफर्म करके रख लीजिए कि जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर जितने कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट हैं जो करंट से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैनल है तो राज्यसभा टीवी है या फिर संसद टीवी है। आप इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा करंट अफेयर्स और प्लस आपके नॉलेज को गेन करने के लिए। चलिए इसके बाद चलते हैं दूसरे चैनल के ऊपर। दूसरा चैनल आपका आता है जी टीवी, और जी टीवी में जो स्पेशल प्रोग्राम आता है जिसको हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं, आप इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, ये आपको 9 मिलेगा। लेकिन अंतर क्या आएगा कि आप जो है डीएनए को लाइव देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और आप जो राज्यसभा टीवी का जो डिबेट है उसको आप तब लिखिए जबकि आप कॉपी कलम को लेकर के बैठे हो, क्योंकि वहां पर जो है आपके हर एक पॉइंट जो है वो मिलेंगे जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तीसरे जो चैनल है उसके तरफ चलेंगे और वो है सरकार के अगेंस्ट वाली चैनल, ठीक है। ये आपका प्राइम टाइम शो करता है जो रवीश कुमार के द्वारा चालू किया जाता है प्राइम टाइम। अब आप पूछिएगा कि प्राइम टाइम देखने के लिए क्यों आपको बोला जा रहा है। आप इसको इसलिए नहीं बनाइए कि रवीश कुमार का जो आइडियोलॉजी है इसको आप अपने लाइफ में लाइए, ठीक है। आपको प्राइम टाइम को इसलिए देखना है कि अगर आपसे इंटरव्यू में कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है इसका बैड इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, जैसे कि बिहार के लिए जो नल जल योजना लाया गया, ये नल जल योजना जो है, ठीक है, नल जल योजना जो है इसका क्या बैड इंपैक्ट पड़ सकता है एनवायरमेंट के ऊपर, ये आपको ना तो डीएनए बताएगा और ना आपको राज्यसभा या फिर संसद टीवी बताएगा। ये आपको कौन बता सकता है, वो बताएगा जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, तो ये रवीश कुमार है। आप रवीश कुमार के चैनल को केवल इसलिए देखिए कि इस सारे चीज को करने के बाद, किसी स्कीम को लाने के बाद या किसी भी चीज को अप्लाई करने के बाद उसका जो बैड इंपैक्ट है वो किस तरीके से पड़ेगा और गवर्नमेंट कहां पे फेलियर हो रही है इसको देखने के लिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। ये तीनों चैनल है अगर आप कॉम्पिटेटिव एस्पिरेंट हैं और स्पेशली आप इस तरीके के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके मेंस प्रीलिम्स सभी चीज आते हैं या फिर आपसे इंटरव्यू में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर आपको जो है वो तीनों चैनल को देखना जरूरी है। और इसको एज अ स्टडी आप अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, ठीक है, जहां पर आपका जो एडिक्शन होता है मोबाइल फोन का उसको चेंज करके आप जो है इसको अपने स्टडी का पार्ट बना लीजिए। आई होप बहुत चीज क्लियर हुआ होगा आपका। जो इंपॉर्टेंट न्यू चैनल है, जो टीवी चैनल है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, उसे बहुत हेल्प करेगा आपके लिए रोज कुछ नया करने का। और आप कमेंट भी कर सकते हैं और किस टॉपिक पे चाहिए आपको वीडियो। तो ये था टीवी चैनल फॉर यूपीएससी पीसीएस सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एनडीए सीडीएस एफकैट एस्पिरेंट के लिए, जिन्हें की ये चैनल देखना चाहिए। तो आज के जो है वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।